हरदोई जिले में गैंगरेप व रेप की घटना अब आम बात हो गई है। आए दिन कोई न कोई बलात्कार की घटना प्रकाश में आ ही जाती है। पुलिस घटना को संदिग्ध मानने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाती है और उसको आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करनी ही पड़ती है। नए कानून में पीड़िता का बयान ही आरोपी को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त है। अदालत भी अब पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को तब तक सही नहीं मानती है जब तक कि पीड़िता उसको सही करार ना दे दे। आज की छात्रा से गैंगरेप की घटना को भी पुलिस संदिग्ध मान रही है, लेकिन फिर भी कार्रवाई करने को मजबूर है। हरदोई के थाना हरियावा के नेदुरा गांव में कुछ समय पहले नाबालिग छात्रा के साथ स्कूल में ही दो लड़कों ने जबरन सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और उसको स्कूल की ही गैलरी में पकड़कर उसके साथ दो युवकों बब्बे और शाहरुख ने दुष्कर्म किया। पीड़ित छात्रा आशिका ने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी। परिजन उसको थाने ले गए, लेकिन पुलिस ने संदिग्ध मानते हुए रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। पीड़िता अपने परिजनों के साथ दर दर भटकती रही। अंत में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दो लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पीड़िता को आज डॉक्टरी परीक्षण के लिए महिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी डॉक्टरी कराई गई। पीड़िता ने अस्पताल में अपनी आप बीती सुनाई और दो युवकों पर जबरन सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। हरदोई पुलिस अधीक्षक विपिन मिश्रा ने घटना की जानकारी दी और रिपोर्ट लिखने की बात कही। रिपोर्ट और पीड़िता के अदालती बयान के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन प्रथम दृष्टया घटना को संदिग्ध बताया। सुनिए उन्हीं की जुबानी। संबंध में परिजनों द्वारा दो व्यक्तियों को नामित करते हुए तहरीर दी गई है और अभियोग पंजीकृत करके पीड़िता का मेडिकल तथा अन्य विधिक कार्रवाइयाँ संपन्न कराई जा रही हैं। जैसा 164 और अन्य विवेचना में साक्ष्य पाए जाएंगे तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया ये मामला जो है वह अभी पुष्टिकारक नहीं है लग रहा है। स्कूल में या गैलरी में डाल हो जाए तो गलत काम हमारे साथ हो जाए। लेटरिन गए थे करीब 8 बजे, सारों को बब्बे होना थे तो हम लेटरिन करके घूमे, हाथ पाए धो कर इतने यहाँ पकड़ लो गैलरी में डाल हो जाए। हमारे संग गलत काम करो मुँह में गौछा बांध दो तो हम पर कहीं अगर बताओ कोई तो साली चमरिया तुझे जान से मार डालेंगे। 3 दिन से थाने में बैठे कुछ सुनवाई ना, 3 कहीं अब डॉक्टरी करवाई अब डॉक्टरी करवाई कुछ ना, खाली होंगे लड़का वाले के खिलाफ पांटी हैं जो कोई पैसा ले जाते तो दिन बस पैसा खा ले तो बस कोई सुनवाई नहीं। ब्रेव न्यूज़ लाइव के लिए हरदोई से सुनील मिश्रा की रिपोर्ट।